नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो डल पा रहा है क्योंकि आज मेरी छुट्टी भी, और बहुत टाइम से शेड्यूल जो था ना वो बहुत बिजी चल रहा था, तो कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। अब कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी वीडियो आए और आप लोगों तक जो भी अपडेट्स हैं बाइक से रिलेटेड और कार से रिलेटेड, वो जल्दी जल्दी मैं आपके पास लेके आ सकूं। और बहुत ही जल्दी हम अभी सुपर मेटियोर 650 का भी ओनरशिप रिव्यू लेके आने वाले हैं। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे खड़ी है, आप देख सकते हैं, होंडा अमेज। तो आज मैं जो होंडा अमेज है उस पर सारी जो कन्फ्यूज़न है लेने के ऊपर कि किसे ये गाड़ी लेनी चाहिए, सडान गाड़ी है, और किसे नहीं लेनी चाहिए। अगर आप होंडा अमेज लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी हो सकती है? और ये जो गाड़ी है उसके ओनर है वो मैं ही हूँ। और तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी है तो इस पर एक वीडियो बना लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज हम आपको इस गाड़ी के बारे में बताएंगे कि होंडा अमेज किसे लेनी चाहिए और क्या माइलेज है, रियल टाइम माइलेज क्या है। मुझे अभी तक इसे चलाते हुए लगभग 3.5 साल होने जा रहे हैं और गाड़ी आप देख सकते हैं, मेरी गाड़ी वेल मेंटेन है बिल्कुल, और मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से रखा है। और ये गाड़ी कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और क्या क्या मुझे अभी तक इसकी सर्विस में क्या क्या परेशानी आई हैं, और क्या कॉस्ट अभी तक इसमें चलाने से लेके और सर्विस से लेके अभी तक मुझे उठानी पड़ी है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फुल डिटेल में आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि खुद की मेरी पर्सनल गाड़ी है, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी ये वीडियो। तो चलिए बताते हैं, पहले मैं आपको एक गाड़ी का 360 डिग्री एक व्यू दे देता हूँ और गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी चलने में कैसी है बताऊंगा, और गाड़ी का लुक अभी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा पुराना वाला मॉडल है, आप ये देख रहे हैं, जो होंडा मेज का आता था, जो होंडा सिटी की तरह तरह लगभग लगता है, और यही मुझे पसंद है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कार, और कार का एक पूरा लुक दिखा देता हूँ, फिर गाड़ी के वेरियंट्स वगैरह, प्राइस वगैरह, फीचर्स वगैरह, माइलेज वगैरह और सर्विस वगैरह सबके बारे में आराम से बात करेंगे अंदर बैठ के। तो गाड़ी पहले आप देखिए फिर बात करते हैं अंदर। तो कुछ गाड़ी ऐसी कंडीशन में इस टाइम है ये, और गाड़ी का पूरा एक लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ गाड़ी का लुक ऐसा मिलेगा, इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपडेट कराई हैं क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ, ये सबसे बेस वेरिएंट मैंने इसे लिया था ये, क्योंकि अगर मैं और वेरिएंट्स की बात करूँ तो उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स थे, वो हम अंदर बैठ के बात करेंगे। और मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया लगा क्योंकि गाड़ी का इंजन की अगर मैं बात करूं और गाड़ी की बॉडी की बात करूं तो लगभग लगभग सभी चीज़ें सेम थी। कुछ इंटीरियर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिल रही थी वो मैंने अपग्रेड उसे कराया है, और सबकी क्या क्या कॉस्ट है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं गाड़ी, और चलते हैं हम सीधे इसके अंदर। तो गाड़ी की ये रही चाबी, आप देख सकते हैं। तो इसमें सेंटर लॉकिंग सिस्टम मैंने लगवाया था, ये ब्लैक कैट का सेंटर लॉकिंग सिस्टम है, सिस्टम इसमें ये करवाया है। तो मैं इसे डोर को ओपन कर लेता हूँ, तो ये ओपन हो गई है, और चलते हैं हम अंदर गाड़ी के। तो गाड़ी का कुछ इंटीरियर आप देख सकते हैं ऐसा है, और सही से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक आर्म रेस्ट भी लगवाया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ टच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें मैंने हैंडल पे आप देखेंगे तो एक ग्रिप भी मैंने लगवाई हुई है स्टेयरिंग पे पूरी, और इसका भी मैं प्राइस बताऊंगा। और ये बकेट सीट कवर मैंने इसमें लगवाए हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। पीछे का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी लॉक हो गई है तो फिर से इसे अनलॉक करते हैं हम, और पीछे का भी आप देख सकते हैं। तो पूरी गाड़ी में मैंने आप देख सकते हैं बकेट सीट कवर लगवाए हैं, और कुछ फैब्रिक इसकी ठीक लगी मुझे, बट ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी फैब्रिक। तो आप देख सकते हैं बकेट सीट कवर इसके, इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। और ये रहे कुछ स्पीकर मैंने करवाए इसमें, स्पीकर जो मैंने लगवाए वो सोनी के लगवाए हैं इसमें। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो हमें पावर विंडोज़ मिलते हैं वो चारों मिलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चारों मिलेंगे पावर विंडोज़, फ्रंट में भी हमें मिलते हैं और रियर में भी मिलते हैं पावर विंडो। तो ये फ्रंट के आ गए पावर विंडो, आप देख सकते हैं। तो ये मतलब वेज वेरिएंट से ही आपको स्टार्टिंग इसमें मिल जाएगी देखने को, पावर विंडो में मैंने कोई भी काम नहीं कराया है। तो ये आप इजीली ड्राइवर जो सीट है आप देख सकते हैं, उसमें आपको यहीं से ऑपरेट आप कर सकते हैं, चारों शीशे आप वहां से
कवर कर सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ ड्राइवर सीट पे और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो आ गए गाड़ी के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमें मिलते हैं वो चारों बटन्स मिलते हैं, इसे हम अपने विंडोज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, पावर विंडो मिलते हैं चारों हमें। तो ये आपको वेज वेरिएंट से ही, IEMT वेरिएंट से ही आपको ये फ़ीचर्स इसमें मिलेंगे। और इसमें एक फ़ीचर्स ये भी है कि आप यहाँ से अगर इसे पुश कर देंगे, आप देख सकते हैं, तो ये जो पीछे के जो और आगे के मिरर्स हैं, बच्चे अगर आपके पीछे बैठते हैं और तो इसे ओपन विंडो से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीछे भी आपको दोनों तरफ शीशे का बटन मिलेगा। तो पीछे भी आपको बटन मिलेंगे, पैसेंजर साइड पे भी, पीछे बैक साइड पे भी आपको मिलेंगे, जिससे छोटे बच्चे अगर आपके हैं तो इसे आपके शीशे को खोल ना सके, तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं इसे। ये फीचर्स मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा है। और आ जाते हैं यहाँ, देख सकते हैं आप लाइट की तरफ। तो यहाँ लाइट हमें मिलती हैं और ये कुछ ऑप्शन ऐसे यहाँ पे मिलते हैं, इनका कोई मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने कोई यूज़ नहीं देखा है। और ये पेट्रोल का आपको यहाँ पे मिल जाता है। और पीछे का आप देख सकते हैं, पीछे का आप जो बूट स्पेस है यहाँ से इसे खोल सकते हैं, और आगे का इंजन की तरफ से आप इसे यहाँ से खोल सकते हैं। और ये एसी, इसका मुझे एयर कंडीशनर जो है एसी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो होंडा में इसका एसी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गाड़ी आप देख सकते हैं इंटीरियर इसका गाड़ी का। और ये जो है मैंने लोकली लगवाया था, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लगाया था मिलोन का। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था टच स्क्रीन इसमें नहीं था हालांकि, क्योंकि ये बेस वेरिएंट था, बेस वेरिएंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। और मिलोन का मैंने लगवाया था, बट इसमें ब्लूटूथ वगैरह आप इसमें से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से, आराम से इजीली चला सकते हैं। और चिप यहाँ पे आप लगा सकते हैं, चिप भी लगा सकते हैं, बट वैसे कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा, वाईफाई वाला इसमें नहीं है, सिंपल है बट ठीक है। और ज़्यादा कुछ मैंने इसमें नहीं कराया है। और एसी पर्सनली बहुत बढ़िया लगा मुझे इसका। और स्पीकर पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है, साउंड काफ़ी इसका अच्छा है। और स्पीकर मैंने सोनी के लगवाए, उनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं बात करूँ इसके सेटअप की, तो ये मुझे लगभग 8000 रुपये का पड़ा था विद स्पीकर, क्योंकि 3 साल पहले मैंने ये लगवाया था और इसकी वारंटी भी उन्होंने मुझे दी है 2 साल की, बट अभी तक ये चल रहा है, काफ़ी बढ़िया है और कुछ ऐसा है। और बात करें अगर हम इसके स्टेयरिंग की, आप देख सकते हैं ये जो ग्रिप है, तो ग्रिप का मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने 800 रुपये में पूरा इसका लगवाया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी बकेट में ही आता है, आप देखेंगे इसकी ग्रिप की क्वालिटी। तो यहाँ से ये सिलाई की गई हुई है, आप देख सकते हैं ये सिलाई की गई है और ये आपका हटेगा नहीं, तो ये भी ठीक है। आप देख सकते हैं सीट की कलर के हिसाब से ही मैंने, तो सीट के कलर के ही हिसाब से मैंने इसे लगवाया है। और कुछ यहाँ पे जो सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एसी का आपको मिल जाता है, हीट का यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से एसी आपको ऑन हो जाएगा। ये पार्किंग का हमें यहाँ पे इसमें मिल जाता है। और मैं गाड़ी आपको इसमें बता देता हूँ चली कितनी है मेरी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, आप देख सकते हैं अभी जो मेरी ट्रिप टोटल हुई है वो 4022 किलोमीटर के हिसाब से, आप देख सकते हैं साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रिप 4022। तो आप सोचेंगे 3.5 साल में मैंने 4000 ही किलोमीटर चलाई है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्यों मैंने इतनी कम चलाई है। इसकी एक ही सर्विस अभी तक मैंने यूज़ की है, वो भी मैं बताऊंगा कि एक सर्विस मैंने क्यों यूज़ की है। तो पहले आप देख लीजिए ट्रिप जो है, और बाकी इसमें माइलेज मैं आपको दिखा देता हूँ, जो रियल टाइम माइलेज मैंने आपको बोला था ना कि इसमें क्या देती है। तो अभी तक मैंने इसे लोकल में ही चलाया है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ साफ 12.9 का आपको माइलेज इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो आप ये देख सकते हैं 12.9, मतलब 12.9 का अभी ये माइलेज मुझे दे रही है, जैसा कि जो कंपनी क्लेम करती है कि 18 के आसपास या 17 के आसपास देगी ये माइलेज। तो आप देख सकते हैं साफ साफ माइलेज। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, मैं अभी से दिल्ली लेके गया था, तो जो इसका माइलेज था वो मैंने इसे 17 तक में से, 16 से 17 तक के बीच में से लेके गया हूँ, जब मैं इसे हाईवे पे मैंने इसे चलाया है। लेकिन अगर आप इसे लोकल में चलाते हैं तो आपको 12 से 13 या 14 तक का ही माइलेज इसमें देखने को मिलेगा, अगर आप लोकल में 10 से 20 25 किलोमीटर इसे लेके कहीं जाते हैं। तो माइलेज का आप इसमें ध्यान रखिएगा, पेट्रोल है। और अगर इसके मैं वेरिएंट की बात करूं तो लगभग आपको इसमें 5 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। सबसे वेज वेरिएंट है, IEMT वेरिएंट है, या फिर एस वेरिएंट आ जाएगा। तो इसमें मतलब वेरिएंट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे प्राइस बढ़ता जाएगा इसमें, आपके इंटीरियर में
और चेंज होता चला जाएगा, काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते चले जाएंगे। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जो अगर रेस वेरिएंट अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि एयर बैग आपके जो फीचर्स है सेफ्टी फीचर्स वो आपको दो ही मिलते हैं, एक पैसेंजर मिलता है, एक आपको ड्राइवर की तरफ से मिलता है। तो जहाँ हम बैठेंगे एक एयर बैग यहाँ आ जाता है, एक और एयर बैग हमें मिलता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो स्टार्टिंग से दो एयर बैग आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी आप जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो उसमें फ़ीचर जो हैं वो अपग्रेड होते चले जाएंगे। बात करें अगर हम इसकी टॉप स्पीड की, तो मैंने इसमें टॉप स्पीड पर भी इसे मैं लेके गया हूँ। तो बात करें अगर हम इसकी टॉप स्पीड की, टॉप स्पीड पे भी मैं इसे लेके गया हूँ, लगभग 100+ ही मैं लेके गया हूँ। जब दिल्ली गया था 120 के करीब करीब मैं इसे लेके गया हूँ, 120 130 के करीब करीब। लेकिन कोई भी इसमें आपको वाइब्रेशन वगैरह नहीं मिलेगी, हिलती डुलती गाड़ी नहीं मिलेगी कि 100 से ऊपर जो है ना कि गाड़ी बिल्कुल हिलने लगे, ऐसा कुछ आपको इसमें नहीं लगेगा। तो ये फीचर्स भी मुझे बहुत बढ़िया लगा इस गाड़ी का, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है मुझे लगी। और ऊपर इसे लेके जाएंगे 120 130 तक, तब भी आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ मुझे इसका जो एसी है ना, वो आप जैसे फर्स्ट पे ही इसे लेके जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट पे ही जैसे इसमें 1 2 3 4 तक दे रखे हैं इसमें, तो पहले ही में मतलब आपका एसी इतना कूल हो जाएगा गर्मियों में, तो आपको दूसरे पे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जैसा कि 3.5 साल मुझे होने जा रहे हैं, मैंने 2019 में ये गाड़ी ली थी और अभी तक मैं इसे चला रहा हूँ और मुझे कोई भी परेशानी नहीं आई है। और अगर हम बात करें इसमें फ़ीचर्स की, तो फ़ीचर्स हमें ठीक ठाक मिलते हैं प्राइस के हिसाब से, क्योंकि अगर आप और सेडान गाड़ियों का कंपैरिजन करें तो एक तो गाड़ी का जो लुक है आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लुक मिलता है, और होंडा अमेज नाम है जैसा कि, और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये। तो मुझे इसका लुक पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि होंडा सिटी थोड़ा सा प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे लुक इसका अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है होंडा सिटी बाद में देखेंगे, बट अभी होंडा अमेज ले लेते हैं। तो होंडा अमेज जो लोग लेने का प्लान कर रहे हैं, तो चाहे तो बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं वेज वेरिएंट पे जा सकते हैं इसके, आप चाहे तो इसमें इंटीरियर में एडिशनल अलग से बाहर से करा सकते हैं आफ्टर मार्केट। लेकिन इसमें आपको दो तीन चीज़ मैं बताऊँगा कि आप आफ्टर मार्केट वो मत कराइएगा, क्योंकि जो मुझे मेरा जो पैसा खर्च हुआ है वो उसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, वो मैं बाहर अभी चल के आपको बताऊंगा कि क्या मैंने बाहर से कराया, जो बिल्कुल ही बेकार निकला है और मुझे उसका थोड़ा सा अफसोस अभी तक है, क्योंकि गाड़ी मैं इतनी मेंटेन रखता हूं और वो एक धब्बा सा मुझे लगता है। तो एक क्रोम का कुछ पार्ट्स है साइड आप देखेंगे डोर पे, तो वो मैंने कराया, वो बिल्कुल काला पड़ गया है, तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा है। मिलते ही मिलते हैं 1198 सीसी का आपको इसमें इंजन मिलता है, और माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो लगभग वही करती है कि 17-18 के आसपास करती है। और अगर इसके हम पावर की बात करें तो इसी के करीब करीब आपको इसकी पावर देखने को मिल जाती है, और टॉर्क आपको 110 Nm का टॉर्क इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ रहा इसका इंजन। और पेट्रोल की अगर मैं बात करूं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 35 लीटर की आपको इसमें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इसमें देखने को मिल जाती है। और बूट स्पेस चलिए मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूं, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा इसमें मिलता है 420 लीटर का, सबसे बढ़िया होंडा अमेज में जो बूट स्पेस है वो मुझे इसका यही अच्छा लगा कि मतलब बहुत ज़बरदस्त बूट स्पेस है इसमें। और बकेट सीट कवर मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कॉस्ट मेरी 5500 के करीब आई थी, जो ठीक है, वरना 15-15 हज़ार रुपये के बकेट सीट कवर हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इसमें ये सब काम कराया, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और अब इसे रखते रखते काफ़ी टाइम हो गया है, और जो आप देख रहे हैं अभी तक मैं रिव्यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, तो अब काफ़ी इन चीज़ों में मुझे अच्छा लगने लगा और काफ़ी ठीक ठाक नॉलेज भी हो गई है इन चीज़ों की। तो अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो मैं आपको बता दूं आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, क्योंकि लगभग लगभग इंजन आपको सारे फीचर्स वगैरह तो वही मिलते हैं, इंटीरियर में बस आपको आप देखेंगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटीरियर वो आपको खुद कंप्लीट करके देंगे। अब जैसा कि एलॉय व्हील में आपको मिल जाएगी, आप अगर इससे सेकंड टॉप वेरिएंट पे आ जाते हैं तो एलॉय व्हील आ जाएगा उसमें आपका, और इसमें हमें जो मिला है वो रिम मिला है, इसमें मैंने अलग से व्हील लगवाए हैं, वो भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ गाड़ी रही, और मतलब 5 सीटर है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, 5-6 लोग आराम से मेरी गाड़ी में तो आ जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी मैंने एसी ऑन कर रखा है, और क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और बात नहीं हो पा रही थी, तो चलते हैं बाहर, और बाहर आपको बूट स्पेस में दिखाता हूँ, और व्हील वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, और मैंने क्या क्या करवाया है। तो चलिए चलते हैं बाहर।
तो गाड़ी जैसा कि आपको मैं बता दूं, इसमें अगर फीचर्स की मैं बात करूं तो ये वेज वेरिएंट है, और वेज वेरिएंट में आपको मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि आपको पावर स्टेयरिंग तो मिलता ही मिलता है, और मतलब दो एयरबैग्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी पावरफुल इंजन है। जैसे 1198 cc का आपको इंजन इसमें देखने को मिल जाएगा, पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, मैनुअल आपको मिलती है इसमें, बाकी फाइव जैसा कि आपको वेरिएंट्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। वेज वेरिएंट है, और वेज वेरिएंट मैं आपको बता देता हूँ, वेरिएंट आ जाएगा, फिर SCVT आ जाएगा, तो मतलब लगभग पांच वेरिएंट आ जाएंगे इसके, पेट्रोल डीजल में आ जाएगी ये तो। और अगर मैं बात करूँ तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें मिलता है, और जो गाड़ी आपकी है बिल्कुल आपकी बिल्कुल लॉक हो जाएगी। अगर सडनली आपको ब्रेक्स लेने हैं तो बिल्कुल गाड़ी के ब्रेक भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगे इसके। तो लगभग लगभग अगर फीचर्स की बात करूं जो एक गाड़ी में होने चाहिए, लगभग सारे फीचर्स इसमें हमें मिलते हैं। बट अगर मैं इसके टॉप एंड सेकेंड टॉप वेरियंट की बात करूँ, तो आपको सिर्फ उसमें इंटीरियर में ही वर्क देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, टच आपको मिल जाएगा, AC वगैरह देखिए सब कुछ आपको वही इसमें देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। सेकेंड टॉप वेरिएंट में आपको जैसे अलॉय व्हील में आ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैंने व्हील इस पे कवर अलग से लगवा रखे हैं, वो अलॉय व्हील में आ जाएगी। ये आपको जो एंटीना आप देख रहे हैं, कुछ एंटीना ऐसा नहीं मिलेगा, वो आपको एक वैसा प्लेटफॉर्म जैसा एंटीना एक छोटा सा मिलेगा, ये तार वाला वायर वाला नहीं मिलेगा इसमें आपको। तो आप ये देख सकते हैं IVTEC आपको ये मिलता है वेरिएंट, आप देख सकते हैं, बाकी सारे फीचर्स आपको वही मिलेंगे। एडिशनल फीचर जो इसमें बढ़ जाएंगे वो इंटीरियर में ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे, बाकी सारे फीचर्स लगभग लगभग सेम मिलते हैं आपको इसमें देखने में। बॉडी वगैरह सही मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग ठीक है सडान गाड़ी के हिसाब से। अभी तक मुझे कहीं ग्राउंड क्लियरेंस की लोगों के मन में शिकायत रहती है कि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी टच तो नहीं होती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मुझे तक अभी तक ग्राउंड क्लियरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ऑफ रोडिंग मैं थोड़ी सी लेके गया हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे टच नहीं लगा कि कहीं हुई है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कहीं कन्फ्यूज़ हैं लेके, तो मुझे तो ठीक लगी फ़िलहाल, बाकी तो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस सभी की आप हैचबैक गाड़ी देखेंगे और सडान देखेंगे तो लगभग लगभग सेम ही होती है, और ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस में मुझे कोई भी इसमें इशू नहीं लगा है, और चारों तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने लगवाए हुए हैं, इसका मुझे काफ़ी यूज़ लगा, और जैसे बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही है तो आपका शीशे के अंदर जो है ना पानी नहीं जाएगा, वो बाहर से ही आपका गिरेगा। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डोर की तरफ मैंने लगवाए, जब आप दरवाज़ा खोलेंगे ना तो आपका ये टच नहीं होगा कहीं भी, तो जैसे कहीं भी एकदम आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ये गाड़ी आपकी लगेगी नहीं, और यहाँ पे आपका स्क्रैच नहीं आएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर आप लगवा लीजिएगा अगर आप अपनी गाड़ी ले रहे हैं तो। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने बाहर से करवाई हैं, यहाँ पे भी क्रोम का वर्क करवाया है मैं, आप क्रोम का जो वर्क है वो कंपनी से ही कराइएगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था, क्योंकि ये सब काले पड़ गए हैं,